श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं भगवान शिव से और माँ पार्वती से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का सौभाग्य अखंड रहे, सदा ही पति का प्रेम और स्नेह जीवन में बना रहे, धन धान्य सुख समृद्धि और संतान सुख सदैव आपकी झोली में बरसती रहे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की कथा। बहुत जगहों पर इस वट सावित्री व्रत को पूर्णिमा के दिन भी मनाया जाता है, परंतु भारतवर्ष के ज़्यादातर क्षेत्रों में वट सावित्री व्रत को अमावस्या तिथि पर ही मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत सभी महिलाएं जो भी अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं वह अवश्य ही धारण करती हैं। इसके साथ ही जो कुमारी कन्याएं अपने उत्तम वर मनचाहे वर की प्राप्ति करना चाहती हैं वह भी इस व्रत को धारण करती हैं। वट सावित्री व्रत अखंड सौभाग्य के लिए अति ही शुभकारी व्रत है। दोस्तों, वट सावित्री व्रत का संपूर्ण लाभ प्राप्त करने के लिए कथा सुनना उतना ही ज़्यादा अनिवार्य है जितना कि पूजा विधियों का करना। आइए आज हम सुनते हैं वट सावित्री व्रत की कथा और अखंड सौभाग्य को प्राप्त करते हैं। प्राचीन काल की बात है, भद्र देश के राजा अश्वपति थे। राजा को संतान का सुख नहीं था, इसके लिए राजा ने कठोर तपस्या की। 18 वर्षों तक लगातार कठोर तपस्या के उपरांत उन्हें कन्या के रूप में सावित्री प्राप्त हुई। इस वजह से जन्म लेने के साथ ही उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया, क्योंकि सावित्री देवी के आशीर्वाद से इस तेजस्वी कन्या का जन्म हुआ था। इसी के लिए इस कन्या का जन्म माँ सावित्री देवी के नाम पे ही रखा गया। जैसे जैसे कन्या बड़ी होती गई, वैसे वैसे कन्या का रूप चंद्रमा के भांति निखरता चला गया। कन्या में सभी गुण मौजूद थे, सर्वगुण संपन्न थी और बहुत ही सुशील प्रवृत्ति की थी। गुणवान तो थी ही, रूपवान तो थी ही, साथ ही साथ उसमें सभी गुण मौजूद थे। जब कन्या बड़ी हुई तब पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। विवाह के हेतु जगह जगह से रिश्ते और निमंत्रण आने लगे, परंतु राजा को एक भी वर उसके लिए उचित न लगा। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अत्यंत ही दुखी थे तथा उन्होंने स्वयं इस बात की आज्ञा दी कि कन्या तुम जाओ और अपने वर की तलाश तुम स्वयं करो। इस प्रकार से सावित्री तपोवन में भटकने लगी। भटकते भटकते इस तरह से लंबा अरसा बीत गया। वहाँ पर सालव देश के राजा धूमत सेन रहा करते थे, क्योंकि उनका राज्य शत्रुओं ने उनसे छीन लिया था। राज्य से निष्कासित होकर के उस घने जंगल में अपने पुत्र सत्यवान के साथ वह वहाँ जीवन यापन कर रहे थे। सत्यवान को देखते ही सावित्री ने मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर लिया। यह समाचार जब राजा के पास पहुँचे तब ऋषि नारद भी वहाँ पर आए। ऋषि नारद ने यह बात जानते ही कहा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान में सभी गुण विद्यमान हैं। वह बहुत ही धर्मात्मा, बलवान और गुणवान भी है, परंतु अल्पायु है। एक वर्ष के बाद ही उसको मृत्यु की प्राप्ति हो जाएगी। नारद की इस प्रकार की बात को सुनकर के राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। उन्होंने पुत्र सावित्री को मनाने की अनेक प्रकार से कोशिश की। सावित्री ने उनसे जब कारण पूछा तब राजा ने कहा, हे पुत्री, तुमने मन ही मन जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है उसकी आयु बहुत ही छोटी है, इसलिए तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए।
तब सावित्री ने कहा, हे पिता, आर्य कन्याएं एक बार ही जीवन में अपने पति का वरण करती हैं, इसलिए मैं मन ही मन उन्हें अपने पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ और अब किसी और का ध्यान करना भी मेरे लिए महापाप है। राजा एक बार ही आज्ञा देता है, पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करता है और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। इस सब प्रकार से सावित्री के बोले गए वचनों के आगे राजा झुक गए। सावित्री ने कहा, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी, मैंने उन्हें ही पति के रूप में वरण किया है। इस प्रकार से सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ कर दिया गया। विवाह होते ही सावित्री अपने ससुराल पहुंची और वहां सास ससुर की सेवा करने लगी। इसी प्रकार से दिन व्यतीत होता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान के मृत्यु के दिन के बारे में बता रखा था। जैसे जैसे दिन करीब आने लगा, वैसे वैसे सावित्री का मन भी अधीर होने लगा, अंदर से वह बेचैन रहने लगी। अतः सावित्री ने निर्धारित दिन से 3 दिन पूर्व ही उपवास करना आरंभ कर दिया तथा नारद मुनि के कहे अनुसार निश्चित तिथि पर अपने पितरों और देवी देवताओं का पूजन भी आरंभ किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी जंगल लकड़ी काटने को चला गया, परंतु सावित्री ने हठपूर्वक उसका साथ निभाया। सत्यवान ने बार बार उसे साथ जाने को मना किया, परंतु सावित्री अपनी बात पर अडिग रही और कहने लगी, हे नाथ, आज मेरा भी मन हो रहा है जंगल आपके साथ चलने को। सत्यवान आखिरकार हार गया और जंगल उसे भी लेकर चला गया। जंगल में पहुंच करके सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया, तभी उसके सर में बहुत तेज से दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल होकर के वह पेड़ से नीचे उतर आया। सावित्री समझ चुकी थी अब अंत नज़दीक है। सत्यवान के सर को अपने गोद में रख करके वह सहलाने लगी। इतने पर ही सत्यवान को निद्रा आ गई और उधर यमराज भी उपस्थित हो गए सत्यवान की जीह को ले जाने के लिए। सावित्री भी तब यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की कि यह तो विधि का विधान है, इसके आगे वह भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यही उनकी नियति है, परंतु सावित्री फिर भी उनकी एक भी बात को न माने। सावित्री की निष्ठा पति परायणता को देख करके यमराज तब सावित्री से कहते हैं, हे देवी, तुम तो धन्य हो, मैं तुम्हारे आगे विवश हो चुका हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो। तब सावित्री ने कहा, ये यमराज मेरे सास ससुर वनवासी हैं और आँखों से अंधे भी हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें तथा उन्हें उनका राज्य वापस करा दें। यमराज ने कहा, जाओ, ऐसा ही होगा, अब तुम लौट जाओ। यह कहकर के यमराज आगे की ओर चल पड़े। जैसे ही यमराज चलने को हुए, वैसे ही सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने फिर कहा, हे देवी, तुम यहाँ से लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, हे भगवान, मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और यह मेरा कर्तव्य है। यह सुनने के बाद यमराज ने फिर उससे एक और वरदान मांगने को कहा। तब सावित्री ने फिर कहा कि मुझे 100 संतानों का तथा 100 भाग्य का वरदान दीजिए। यमराज ने यह भी वरदान सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से तब कहा, हे प्रभु, मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे 100 पुत्रों का माता होने का सौभाग्य प्रदान किया है, अतः पति परायणता होने की वजह से हमारे पास दूसरा अन्य कोई और विकल्प नहीं है, आपको मेरे पति के प्राण वापस छोड़ने ही होंगे। यह सुनते ही यमराज को चेतना हो आई और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज वहीं पर आशीर्वाद देने के बाद अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास वापस हो आई
जहाँ पर उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। जब वह वापस आई तो उसने देखा सत्यवान जीवित हो चुका था, साथ ही पूर्ण रूपेण स्वस्थ भी था। अब दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। जब घर पहुँचे तब देखा माता और पिता दोनों को ही दिव्य ज्योति की प्राप्ति हो चुकी है। इस प्रकार से सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य के सुख को भोगते रहे और अपने अंत समय तक वह संपूर्ण सुखों का लाभ उठाते रहे। बोलो वट वृक्ष की जय, सावित्री माता की जय। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी व्रती हैं इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं, उनके वैवाहिक जीवन पर यदि कोई संकट आया हो या जीवन साथी पर कोई विपदा आई हो तो वह भी टल जाता है और जो कुमारी कन्याएं हैं उन्हें योग के वर की प्राप्ति होती है। माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कृपा से जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और सभी प्रकार के भय भी इससे समाप्त होते हैं। बोलो भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय।